आईपीएल देखना सभी को काफी पसंद है, लेकिन आईपीएल और विवादों का एक पुराना रिश्ता है। आईपीएल मशहूर होने के साथ साथ विवादों से भी घिरा रहता है। आज हम आपको बताएंगे आईपीएल से जुड़े तीन सबसे बड़े विवादों के बारे में। नंबर एक, एक बार नीता अंबानी और हरभजन सिंह के बीच आईपीएल के दौरान सबसे विवादित घटना देखने को मिली। दरअसल मैच जीतने के बाद हरभजन सिंह ने मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी को गले लगा लिया। मैच जीतने के बाद मुंबई की टीम काफी जोश में थी। उसी दौरान नीता अंबानी ग्राउंड में आ गई। जीत की खुशी में हरभजन सिंह ने नीता अंबानी को जोर से पकड़कर गले लगाते हुए ऊपर उठा लिया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इस पूरे वाकये के दौरान हरभजन सिंह का हाथ नीता अंबानी के बहुत ही गलत जगह पर था। ये वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और इस पर काफी विवाद हुआ। अब ये काम हरभजन सिंह ने जानबूझकर किया था या उनसे गलती से हुआ था, ये तो हरभजन सिंह ही जानते होंगे। नंबर दो, ये घटना आरसीबी के एक मैच का है। इसमें बॉलीवुड एक्टर्स दीपिका पादुकोण आरसीबी के मालिक विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या हैं। दरअसल मैच जीतने की खुशी में सिद्धार्थ माल्या दीपिका पादुकोण के साथ बहुत ही फनी अंदाज में किस करते नजर आए। इस पूरे घटना के दौरान सिद्धार्थ माल्या के पिता विजय माल्या भी उनके बगल में बैठे थे, लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं वो खुद भी कितने बड़े अय्यास हैं। इस वायरल वीडियो के बाद फैंस इन दोनों को काफी ज्यादा ट्रोल किए, और जब इसके बारे में दीपिका पादुकोण से पूछा गया तो उन्होंने यह कहकर ये बात टाल दी कि ये मेरा निजी मामला है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। नंबर तीन, ये घटना भी सिद्धार्थ माल्या को लेकर ही है। आपको बता दें कि ये सबसे ज्यादा चर्चित होने वाला विवाद था। इसमें सिद्धार्थ माल्या और कैटरीना कैफ हैं। आरसीबी का जब भी मैच होता था तो कैटरीना कैफ आरसीबी को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में आती थी। इसी दौरान सिद्धार्थ माल्या और कैटरीना कैफ की फोटो भी आए दिन वायरल होती रहती थी, लेकिन इन दोनों की एक फोटो ज्यादा ही विवादित हो गई, जिसमें मैच के बाद एक पार्टी के दौरान सिद्धार्थ माल्या कैटरीना कैफ के गले लगने जा रहे थे, लेकिन इसी बीच उनका हाथ कैटरीना कैफ के टॉप के अंदर देखा गया। ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिसके चलते काफी विवाद भी देखने को मिला।